गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आसमा ब्लॉग्स। अली काफ़ी एक्साइटेड है, थोड़ी धूप लग रही है उसे। हम जा रहे हैं दरगाह शरीफ बाय रोड। कौन सी दरगाह जा रहे हैं ये थोड़ी देर में ही आपको पता चल जाएगा। ये काफ़ी दूर दरगाह थी तो हमने ट्रैवल किया था बाय रोड। जी हाँ दोस्तों, हम उरन दरगाह आ रहे हैं। ये कुछ उरन दरगाह का व्यू है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की धूप थी, ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, थोड़ा सा काम बाकी था यहाँ पे उरन दरगाह का। तो ये मैं कुछ इस तरह का व्यू दिखा रही हूँ आपको। ये हम जोहर के टाइम पहुँचे हैं, 1 से 1.5 घंटा लगा हमें यहाँ पहुँचने में। बच्चे काफ़ी थक गए थे, उन्हें भूख लग रही थी तो अब वो वेट कर रहे थे स्नैक का। और हमने यहाँ चादर बिछा कर बच्चों के साथ थोड़ा सा रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा स्नैक खाया। बच्चों ने काफ़ी इंजॉयमेंट किया, आप देख सकते हैं अली की खुशी। अली अली की खुशी अली के मुंह में ही है। तो बच्चों ने स्नैक खाया, गोला खाया, उसके बाद थोड़ी सी मस्ती की। हमने नमाज़ अदा कर लिया वो टाइम पे जब बच्चे स्नैक्स वगैरह कर रहे थे। लंच कर लिया हमने। अब हम जा रहे थे बीच की तरफ। ये है दरगाह के अपोजिट साइड है बीच, दूर नहीं है, नियर बाई है, बस पीछे से रास्ता है। तो ये उरन दरगाह का बीच है। सो आप देख सकते हैं ये है दरगाह शरीफ और ये उसके अपोजिट साइड पूरा बीच। पानी नहीं था, पानी काफ़ी कम था, आप देखिए पूरा सूखा पड़ा हुआ है। अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की धूप थी, बच्चे पानी में जाने की ज़िद कर रहे थे तो हमने सोचा कि थोड़ा पानी में इनको लेकर जाया जाए। अब यहाँ आए हैं और पानी में ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है जहाँ पर भी जाते हैं। बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया पानी में, और पानी में अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें सर्दी वगैरह नहीं हुई। काफ़ी देर तक वो पानी में इंजॉय किए थे। हम यहाँ पे, ये असर का टाइम है, अभी थोड़ी देर में असर का टाइम हो जाएगा। अली को काफ़ी ठंडी भी लग रही थी और मज़ा भी आ रहा था, और शर्लिस तो फुल इंजॉय कर रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड अली और शर्लिस तो पानी से निकल ही नहीं रहे थे, जैसे कि काफ़ी टाइम के बाद वो पानी में आए थे और उनका दिल ही नहीं था बाहर निकलने का। और देखिए काफ़ी ठंडी भी लग रही थी अली को, बट वो स्टिल पानी में ही था और कंटिन्यूसली मुझे इग्नोर कर रहे थे क्योंकि मैं काफ़ी आवाज़ दे रही थी पानी से निकल जाओ, थोड़ा हम दरगाह शरीफ जाएंगे। बट वो लोग काफ़ी इग्नोर कर रहे थे मुझे, दे बोथ आर इग्नोरिंग मी। सो पानी के साथ खेल रहा था अली, उसे एन्जॉयमेंट हो रहा था। धीरे धीरे वो हर चीज़ में घुलता है, एक साथ नहीं घुल जाता है। शर्लिस तो एक साथ ही हो जाती है इन्वॉल्व हर एक चीज़ में, बट ये नहीं, धीरे धीरे होता है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी अच्छा लग रहा था, पानी के साथ हल्का फुल्का खेल रहा था। देखिए अब शाम हो चुकी है, अब थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट भी ठंडा हो रहा था तो अब हमें निकलना था, बट बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। सो काफ़ी पब्लिक भी यहाँ पे इंजॉय कर रही थी। अब हम निकल चुके हैं, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे बच्चों के, और ये है प्रेइंग टाइम। असर का टाइम हो चुका था, अजान भी हो चुकी थी और बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने नमाज़ अदा कर ली थी और अब वाइंड अप करना था क्योंकि शाम रात हो जाती है। तो बाय रोड जाना था हमें, तो रास्ते वगैरह दिखते नहीं हैं इतने, तो हमें थोड़ा उजाले में ही जाना था। तो अगर आप कभी भी बाय रोड आए तो उजाले में ही जाइए क्योंकि रात में रास्ते वगैरह दिखते नहीं यहाँ पे। काफ़ी लॉन्ग ड्राइव है, 2 घंटा लगता है, 1.5 से 2 घंटा। तो बच्चे तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं नमाज में भी। अब ये है दरगाह का कुछ इस तरह का नज़ारा, अंदर से मैंने आपको दिखा दिया था, ये बाहर का नज़ारा है। शर्लिस कुछ दुआ मांग रही थी मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं और अली इधर से उधर भाग रहा था। और तो चलिए गाइस, करती हूँ ब्लॉग्स को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।